दोस्तों रोजाना गवर्नमेंट जॉब्स की अपडेट सबसे पहले पाने के लिए यहाँ से सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही साथ बेल आइकन को भी दबा ले। इस वीडियो में आगे बढ़े उससे पहले आप इसको यहाँ से लाइक कर दीजिए और साथ ही साथ इस वीडियो को व्हाट्सएप ग्रुप और फेसबुक में ज्यादा से ज्यादा शेयर कर दीजिए। हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल गवर्नमेंट जॉब्स ज्ञान पर। दोस्तों एक बार फिर से हम आपके लिए वर्ष 2019 की रेलवे की सबसे बड़ी भर्ती की अपडेट लेके आए हैं। जी हाँ दोस्तों, 1 लाख से ज्यादा खाली पदों के लिए ऑनलाइन एप्लीकेशंस मंगाए जा रहे हैं। पोस्ट है इसमें ग्रुप डी की। जी हाँ दोस्तों, मिनिमम 10वीं क्लास पास कैंडिडेट इस भर्ती के लिए आवेदन कर सकते हैं। अलग अलग रेलवे पोस्ट और कैटेगरी वाइज वैकेंसीज भी हम आपको इस वीडियो में डिटेल्स में दिखाएंगे। आप इस भर्ती के लिए 12 अप्रैल 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। इस वीडियो में हम आपको डिटेल्स में जानकारी देंगे कि क्या इसकी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है, क्या जोन वाइज पूरी वैकेंसीज है, कैसे आप इसकी नोटिफिकेशन की पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हो और कैसे आप इस भर्ती के लिए स्टेप वाइज सिंपली ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। पूरी जानकारी हिंदी में देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में अंत तक। इस वीडियो को कंप्लीट देखने पर ही आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। तो चलिए दोस्तों, बिना कोई वक्त गवाए शुरू करते हैं रेलवे बड़ी भर्ती की पूरी जानकारी। जी हाँ दोस्तों, रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड ने नया नोटिस जारी किया है, जिसके तहत वे ग्रुप डी के 1,03,769 खाली पदों को भरने जा रहे हैं। सैलरी की वहीं बात की जाए तो लेवल 1 7 CPC पे मैट्रिक्स के अंतर्गत पर मंथ के लिए प्रोवाइड की जाएगी। योग्यता की वहीं बात की जाए तो 10वीं और ITI अप्लाई कर सकते हैं। आयु सीमा 18 से 33 वर्ष जनरल कैटेगरी के लिए है, 18 से 36 OBC कैटेगरी के लिए है, 18 से 38 SC ST के लिए है, 18 से 43 PWD कैटेगरी कैंडिडेट्स के लिए है। आयु की गणना 1 जुलाई 2019 से की जाएगी। वहीं बात जॉब लोकेशन की जाए तो ऑल इंडिया बेस की वैकेंसी है। इंडिया में किसी भी राज्य से महिला या पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। यही बात आवेदन शुल्क की जाए तो UR या OBC मेल कैंडिडेट्स के लिए ₹500 है, SC ST PWD और फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ₹250 है। शुल्क आप डेबिट कार्ड, क्रेडिट कार्ड, नेट बैंकिंग और ऑफलाइन चालान से भी जमा करा सकते हो SBI की किसी भी ब्रांच से। या दोस्तों, या फिर कंप्यूटराइज पोस्ट ऑफिस पे स्लिप से भी आप जमा करा सकते हो। रिफंडेबल शुल्क भी आप देख सकते हो, जो आपका रिफंड कर दिया जाएगा। कैंडिडेट्स के अपियर होने में, या दोस्तों स्टेज 1 एग्जामिनेशन में अपियर होने के बाद जनरल या OBC के लिए ₹400 शुल्क रिफंड कर दिया जाएगा और अदर कैंडिडेट्स के लिए ₹250 शुल्क रिफंड कर दिया जाएगा अकाउंट में। सिलेक्शन की बात की जाए तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट CBT और फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट के माध्यम से इसमें आपका चयन किया जाएगा। अप्लाई ऑनलाइन कर सकते हो। ऑफिशियल पोर्टल है indianrailways.gov.in। इसी पोर्टल से आप इसकी बाकी की जानकारी रीड कर सकते हो। वही बात डेट की जाए तो ऑनलाइन आवेदन 12 मार्च से स्टार्ट हो चुके हैं। आप 12 अप्रैल 2019 तक ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। फी जमा करने की बात की जाए तो चालान के माध्यम से ऑफलाइन आप 18 अप्रैल 2019 तक फीस पेमेंट कर सकते हो और ऑनलाइन की बात की जाए तो आप 23 अप्रैल 2019 तक फीस पेमेंट कर सकते हो। फाइनल सबमिशन, जो ऑनलाइन फॉर्म आप फाइनल सबमिट करोगे, उसकी लास्ट डेट 26 अप्रैल 2019 है। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट की एग्जाम सितंबर से अक्टूबर 2019 है। तो चलिए दोस्तों, इसका नोटिफिकेशन देख लेते हैं, जो कि हम यहाँ पर डाउनलोड कर चुके हैं। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, मिनिस्ट्री ऑफ रेलवे रिक्रूटमेंट बोर्ड, डिटेल सेंट्रल एम्प्लॉयमेंट नोटिफिकेशन आप यहाँ से चेक कर सकते हो। RRC 1/2019 यहाँ पर नोटिफिकेशन नंबर यहाँ पर दिया गया है। ऑल इंडिया की वैकेंसी है। रिक्रूटमेंट फॉर वेरियस पोस्ट लेवल 1 से यहाँ पर देख सकते हो 7 CPC पे मैट्रिक के अंतर्गत यहाँ पर सैलरी प्रोवाइड की जाएगी। जी हाँ दोस्तों, बात अगर डेट की जाए तो आप यहाँ से सबसे पहले इसकी डेट डिटेल में यहाँ से चेक कर सकते हो, जो कि हमने आपको इस वीडियो में पहले भी बता दी है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ से वैकेंसीज की डिटेल चेक कर सकते हो। पूरी डिटेल्स में यहाँ पर शॉर्ट जानकारी दी गई है। उसके बाद हम आपको रेलवे कैटेगरी और साथ साथ पोस्ट वाइज वैकेंसीज की जानकारी भी देंगे। सबसे पहले आप यहाँ पर शॉर्ट में जानकारी देख सकते हो। सेंट्रल रेलवे के अंतर्गत आप देख सकते हो UR कैटेगरी के लिए 3,597 खाली पद है, SC के लिए 1,398 है, ST के लिए 759 है, OBC के लिए 2,656, EWS के लिए 935। तो टोटल की बात की जाए तो 9,345 पद सेंट्रल रेलवे में खाली है। जी हाँ दोस्तों, हम आपको टोटल यहाँ पर रेलवे वाइज वैकेंसीज की जानकारी देंगे। आप यहाँ से कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हो। ईस्ट सेंट्रल रेलवे में टोटल की बात की जाए तो 3,563 पद खाली है। ईस्ट कोस्ट रेलवे में 2,555 पद खाली है। ईस्टर्न रेलवे CLW और मेट्रो में आप देख सकते हो 10,873 पद खाली है। नॉर्थ सेंट्रल रेलवे और DLW में यहाँ पर 4,730 पद खाली है।
नॉर्थ ईस्टर्न रेलवे MCF और RDSO के लिए यहाँ पर 4002 पद खाली है। नॉर्थ वेस्टर्न रेलवे में बात की जाए तो टोटल 5249 पद खाली है। नॉर्थ ईस्ट फ्रंटियर रेलवे में देख सकते हो 2894 पद खाली है। नॉर्थर्न रेलवे DMWORCF में देख सकते हो टोटल 13155 पद खाली है। साउथ सेंट्रल रेलवे की बात की जाए तो 9328 पद खाली है। साउथ ईस्ट सेंट्रल रेलवे की बात की जाए तो 1664 पद खाली है। साउथ ईस्टर्न रेलवे में 4914 पद खाली है। साउथ वेस्टर्न रेलवे और RWF में देख सकते हो 7167 पद है। साउथर्न रेलवे और ICF में 9579 पद है। वेस्ट सेंट्रल रेलवे में टोटल 4019 पद है। जी हाँ दोस्तों, वेस्टर्न रेलवे में जो लास्ट में है इसके लिए 10734 पद है। तो टोटल की बात की जाए तो रेलवे वाइज आप यहाँ से साथ साथ कैटेगरी वाइज भी चेक कर सकते हो। जैसे कि अनरिजर्व कैटेगरी के लिए टोटल 42355 पद खाली है। ST के लिए 15559 पद खाली है। ST के लिए 7984 पद खाली है। OBC कैटेगरी के लिए 27378 पद खाली है। EWS के लिए 10381 पद खाली है। टोटल नंबर ऑफ वैकेंसीज की बात की जाए तो 103769 पद यहाँ पर खाली है, जिनके लिए आपसे ऑनलाइन एप्लीकेशन मंगाए गए हैं। जी हाँ दोस्तों, टोटल की बात की जाए तो आप यहाँ से पूरे डिटेल चेक कर सकते हो। साथ साथ जो रिजर्व्ड है पोस्ट के लिए आप वो भी यहाँ से चेक कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर आप डेट देख सकते हो, 12/4/2019 तक आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, 10वीं क्लास पास कैंडिडेट आवेदन कर सकते हैं। डिटेल्स में भी हम आपको जानकारी देंगे कि क्या इसकी पूरी एलिजिबिलिटी है, वो भी हम आपको डिटेल्स में दिखाएंगे। साथ साथ हम आपको इस वीडियो के एंड में भी जानकारी देंगे कि कैसे आप ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पूरी PDF यहाँ से डाउनलोड कर सकते हो, और साथ साथ ये भी बताएंगे कि कैसे आप इस भर्ती के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। नेशनलिटी या सिटीजनशिप की बात की जाए तो इंडियन सिटीजन होना अनिवार्य है। साथ साथ आयु सीमा 18 से 33 वर्ष यहाँ पर रखी गई है। अलग अलग कैटेगरी के लिए भी आप यहाँ पर छूट चेक कर सकते हो कि किस कैटेगरी के लिए यहाँ पर कितनी छूट आपको मिलने वाली है। साथ साथ यहाँ पर भी आप देख सकते हो जो रिजर्व कैटेगरी के लिए उनके लिए भी यहाँ पर छूट दी गई है। जी हाँ दोस्तों, वही बात एजुकेशनल क्वालिफिकेशन की जाए तो आप यहाँ पर डिटेल चेक कर सकते हो। 10वीं क्लास पास और ITI अप्लाई कर सकते हैं। साथ साथ आप यहाँ पर एग्जामिनेशन फीस भी चेक कर सकते हो। 500 और 250 रुपये अलग अलग कैटेगरी के लिए दी गई। साथ साथ पेमेंट का प्रोसीजर आप यहाँ से चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये यहाँ पर पूरी डिटेल एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया की दी गई है। उसके बाद दोस्तों आप यहाँ पर सभी पोस्ट के लिए क्वालिफिकेशन चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अलग अलग डिपार्टमेंट भी यहाँ पर दिए गए हैं। आप यहाँ से देख सकते हो पोस्ट वाइज असिस्टेंट वर्कशॉप, असिस्टेंट ब्रिज, असिस्टेंट एंड CWA। साथ साथ यहाँ पर अलग अलग आप इनके डिपार्टमेंट चेक कर सकते हो। सभी के लिए क्वालिफिकेशन की बात की जाए तो आप यहाँ से देख सकते हो 10वीं क्लास पास और ITI किसी यहाँ पर इंस्टीट्यूशन रिकॉग्नाइज से NCVT या SCVT से अप्लाई कर सकते हैं। डिटेल्स यहाँ पर पूरी दी गई है। जी हाँ दोस्तों, उसके बाद आप यहाँ से कैटेगरी वाइज वैकेंसीज और साथ साथ पोस्ट वाइज वैकेंसीज भी चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, असिस्टेंट वर्कशॉप के लिए आप देख सकते हो यहाँ पर टोटल की बात की जाए तो टोटल 720 यहाँ पर पद खाली है, जो सेंट्रल रेलवे मुंबई के लिए निकली है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ से पोस्ट वाइज और साथ साथ कैटेगरी वाइज वैकेंसी चेक कर सकते हो। हम आपको यहाँ पर डिटेल्स में टोटल की जानकारी देंगे कि किस रीजन में यहाँ पर कितनी वैकेंसीज निकली है। जी हाँ दोस्तों, आप यहाँ से पोस्ट पूरी डिटेल्स में चेक कर सकते हो। सेंट्रल रेलवे मुंबई में टोटल की बात की जाए तो टोटल 9345 पद यहाँ पर खाली है। उसके बाद आप यहाँ पर देख सकते हो जो ईस्ट सेंट्रल रेलवे हाजीपुर है, इसके लिए टोटल यहाँ पर 3563 पद खाली है। उसके बाद यहाँ पर ईस्ट कोस्ट रेलवे में आप देख सकते हो टोटल यहाँ पर इसी तरह आप देख सकते हो 2555 पद खाली है। जी हाँ दोस्तों, इसी तरह आप ईस्ट रेलवे के लिए देख सकते हो। कोलकाता रीजन में यहाँ पर आप डिटेल्स में चेक कर सकते हो। वैकेंसी 10873 वैकेंसीज यहाँ पर टोटल दी गई है। साथ साथ आप यहाँ से कैटेगरी वाइज वैकेंसीज, डिपार्टमेंट और पोस्ट वाइज वैकेंसीज सभी के लिए ऐसे ही चेक कर सकते हो। जैसे आप इस पेज को स्क्रोल डाउन करोगे तो यहीं पर आपको रेलवे वाइज और साथ साथ पोस्ट वाइज और साथ साथ कैटेगरी वाइज वैकेंसीज की पूरी जानकारी दी गई है, जो आप यहीं से अलग अलग रीजन के लिए पूरा चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, ये पूरी वैकेंसी की जानकारी है। आप यहाँ से अप्लाई करने से पहले पूरा रीड कर सकते हो कि किस जोन पर आपको अप्लाई करना है। उस जोन में आप अपनी वैकेंसी यहाँ से सिंपली चेक कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, जैसे आप इस पेज को और स्क्रोल डाउन करोगे तो यहाँ पर आपको इस भर्ती से रिलेटेड और भी महत्वपूर्ण जानकारी इसी PDF में मिलने वाली है। साथ साथ दोस्तों, आप इसका यहाँ पर रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी चेक कर सकते हो। कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट, CBT, फिजिकल इफिशियंसी टेस्ट, PET, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन और मेडिकल एग्जामिनेशन से इसमें आपका
चयन किया जाएगा। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहले आप कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट का यहाँ पर पूरा पैटर्न चेक कर सकते हो। 90 मिनट का यहाँ पर टाइम दिया गया है, साथ साथ यहाँ पर जनरल साइंस के लिए देख सकते हो 25 यहाँ पर नंबर ऑफ क्वेश्चन है, और मैथमेटिक्स के लिए भी 25 क्वेश्चन है, और 30 यहाँ पर जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए दिए गए हैं। जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के लिए भी 20 क्वेश्चन है। तो टोटल की बात की जाए तो यहाँ पर 100 क्वेश्चन यहाँ पर दिए गए हैं, जो आप यहाँ से पूरा चेक कर सकते हो। 120 मिनट यहाँ पर एलिजिबल पीडब्ल्यूडी कैंडिडेट्स के लिए यहाँ पर डिटेल से दी गई है। जी हाँ दोस्तों, साथ साथ आप यहीं से पूरी जानकारी चेक कर सकते हो। डिटेल्स में सिलेबस भी आप यहाँ से पूरा पढ़ सकते हो, जैसे कि क्वेश्चन टाइप और सिलेबस आप यहाँ से मैथमेटिक्स के लिए पूरा वीडियो को पॉज करके चेक कर सकते हो। जनरल इंटेलिजेंस और रीजनिंग के लिए आप यहाँ से सिलेबस रीड कर सकते हो। जनरल साइंस के लिए भी आप यहाँ से सिलेबस रीड कर सकते हो, और साथ साथ जनरल अवेयरनेस और करंट अफेयर्स के लिए भी यहाँ पर पूरा सिलेबस दिया गया है। जी हाँ दोस्तों, एग्जाम देने से पहले आपको इस सिलेबस पूरा पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आप सिंपली एग्जाम को क्लियर कर सकते हो। साथ साथ दोस्तों, यहाँ पर फिजिकल एफिशिएंसी टेस्ट आप यहाँ से पूरा चेक कर सकते हो, डिटेल्स में यहाँ पर जानकारी दी गई है। उसके बाद आप यहाँ से डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन से रिलेटेड पूरी जानकारी चेक कर सकते हो। साथ साथ अप्लाइंग प्रोसीजर यहाँ पर पूरा दिया गया है कि कैसे कैसे आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। स्टेप वाइज आपको यहाँ पर पूरी जानकारी डिटेल्स में दी गई है, आप सिंपली यहीं से ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म फिलअप कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, अप्लाई करने से पहले आपको ये ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पूरी पीडीएफ पढ़ना अनिवार्य है। इसको पूरा पढ़ने से आपके सभी सवाल और डाउट क्लियर होंगे। साथ साथ दोस्तों, अगर आपको भी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पूरी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो उसके लिए आपको हमारी वेबसाइट का लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन प्लस फर्स्ट कमेंट बॉक्स में मिल जाएगा, और इस पेज पर पहुंचकर यहाँ पर आप देख सकते हो इस पेज के एंड में ऑफिशियल नोटिफिकेशन पीडीएफ के यहाँ पर टैब दी गई है। जैसे आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसकी ऑफिशियल नोटिफिकेशन की पीडीएफ ओपन हो जाएगी। जी हाँ दोस्तों, साथ साथ यहीं पर अप्लाई ऑनलाइन की टैब भी दी गई है, जिसे आप इस टैब पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर इसका ऑनलाइन का पोर्टल ओपन हो जाएगा। इस पोर्टल से आप इस भर्ती प्रक्रिया के लिए ऑनलाइन आवेदन कर सकते हो। साथ साथ दोस्तों, हमारे पेज पर ही आपको यहाँ पर नेक्स्ट भर्ती, जो इससे पहले भर्ती आई है RRB में, वो भी चेक कर सकते हो, जैसे कि मिनिस्ट्री एंड इसोलेटेड कैटेगरी, इसके लिए 1665 पद है। उसकी पूरी एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया और यहीं पर आपको नोटिफिकेशन का लिंक दिया गया है, और अप्लाई ऑनलाइन का लिंक भी यहीं पर दिया गया है। आप यहीं से डायरेक्टली उसके लिए भी ऑनलाइन कर सकते हो। साथ साथ NTPC में 35,277 वैकेंसी आई थी, उसके लिए भी आप यहां से अप्लाई कर सकते हो, और पैरामेडिकल के लिए 1937 पद यहां पर खाली है, उसके लिए भी आप यहां पर ऑनलाइन कर सकते हो। जी हां दोस्तों, यहां पर रेलवे में बम्पर भर्ती आ गई है, अलग अलग कैटेगरी के लिए आप यहीं से अप्लाई कर सकते हो। हमारे इस पेज पर पूरी डिटेल्स में जानकारी दी गई है। 1,00,000 से ज्यादा पदों पर यहाँ पर बम्पर भर्ती निकली, आप जल्द से अप्लाई कर दीजिए। प्रत्येक क्वालिफिकेशन के लिए यहाँ पर रेलवे में मौका है। जो कैंडिडेट रेलवे में भर्ती का इंतजार कर रहे थे, उनके लिए यहाँ पर सुनहरा अवसर है, आप जल्दी से अप्लाई कर सकते हो। जी हाँ दोस्तों, इस वीडियो में बस इतना ही। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। अगर पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें। साथ साथ दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारा यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे भी सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इस पर हम डेली गवर्नमेंट जॉब्स की ऐसी भी अपडेट अपलोड करते हैं।